जय हिंद। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर भर्ती 2022 के लिए बम्पर इक्विपमेंट नोटिफिकेशन को पब्लिश किया है। आज हम इसके सभी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे, चाहे उसके न्यू सिलेबस हो जो कि फुल और डिटेल्ड सिलेबस हैं, परीक्षा पैटर्न हो, चयन प्रक्रिया हो, योग्यता हो, सैलरी हो, अप्लाई कैसे करें, मेडिकल टेस्ट में क्या होगा, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, आपके मन में जो भी प्रश्न है सभी का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। हम आगे बढ़े उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा अपलोडेड वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप इसका लाभ उठा पाएं। अब आइए बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम जॉब डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है वो है IAF यानी इंडियन एयरफोर्स। जिस बोर्ड में वैकेंसीज है वो है भारतीय वायुसेना। योजना का नाम है अग्निपथ योजना के तहत ये वैकेंसीज है। पद का नाम है अग्निवीर। सैलरी आपकी 30,000 से 40,000 पर मंथ होगी। आगे हमने सैलरी को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, उसको देखना भी आवश्यक है। जो ये नेशनल लेवल का जॉब है, डिफेंस का जॉब है, आपका आवेदन प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन भरा जा रहा है। आगे सभी जानकारी है, इस वीडियो को आप देखते रहें। अब आइए इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के सैलरी और एप्लीकेशन फ़ी को समझ लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपये यानी 250 रुपीज़ का रखा गया है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 की सैलरी मिलेगी। इनहैंड सैलरी आपकी होगी 21,000, 9,000 रुपीज़ का डिडक्शन होगा। वहीं सेकेंड ईयर में आपको सैलरी होगी आपकी 33,000 और 23,100 रुपीज़ आपको इन हैंड मिलेगा। वहीं थर्ड ईयर में आपकी सैलरी होगी 36,500, इन हैंड सैलरी 25,580 रुपीज़ मिलेगी। और फोर्थ ईयर में आपकी सैलरी 40,000 होगी और इन हैंड सैलरी 28,000 मिलेगी। जितना आपका डिडक्शन होगा उतना ही आपके सैलरी में ऐड होगा और ये पैसा जब आप रिटायर करेंगे उस समय आपको मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके मुख्य 6 स्टेजेज हैं। सबसे पहले आपका रिटेन टेस्ट होगा, रिटेन टेस्ट के बाद आपका CSB टेस्ट होगा, उसके बाद PET और PMT होगा, उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और आप एज ए अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर पाएंगे। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के रिटन एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो एयरमैन साइंस के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स से 70 क्वेश्चंस होंगे, 70 मार्क्स के होंगे और 60 मिनट्स का समय मिलेगा। वहीं एयरमैन अदर देन साइंस के कैंडिडेट्स के लिए रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। वहीं एयरमैन साइंस एंड अदर देन साइंस के कैंडिडेट के लिए मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और फिजिक्स से 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 85 मिनट्स का टाइम होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 0.25। आपका एग्ज़ाम ये ऑनलाइन होगा और आगे इसके सिलेबस को हमने डिटेल से दिया है, इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 17.5 साल और मैक्सिमम एज 23 साल है। आपका जो बर्थ है वो 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 के बीच में होना अनिवार्य है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो +2 यानी इंटरमीडिएट पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ 50% मार्क्स के साथ अनिवार्य है या 3 साल का डिप्लोमा या इसका कोई इक्विवेलेंट डिग्री। वहीं जो अदर देन साइंस के कैंडिडेट हैं उनको इंटरमीडिएट पास 50% मार्क्स के साथ, जिसमें इंग्लिश उनका सब्जेक्ट हो और 50% मार्क्स हो, बाकी का डिटेल आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो PMT PST में 152.5 सेंटीमीटर का हाइट और चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर तक का एक्सपेंशन। वहीं वेट जो है वो हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना अनिवार्य है, किसी भी तरह का सर्जरी नहीं होना चाहिए। वहीं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो 1.6 किलोमीटर का रेस 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स में कैंडिडेट को पूरे करने होंगे, 10 पुशअप्स, 10 सीटअप्स और
20 स्क्वाड्स जो टाइमलाइन दिया होगा उसमें आपको कंप्लीट करना अनिवार्य है। एयरफोर्स अग्निवीर के पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पे जाएं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, बहुत अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए वैलिड फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी। उसके बाद आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद नेसरी डिटेल्स को भरें, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करें, फ़ी पेमेंट करें, प्रीव्यू करें, फिर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद PDF सेव करके ज़रूर रखें। लास्ट डेट 5 जुलाई 2022 है और एग्ज़ाम इसका 24 जुलाई 2022 को से शुरू होगा जो कि ऑनलाइन होगा। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपको टेक्स्ट छोटा लग रहा है तो स्क्रीन को बड़ा कर लें, आपको टेक्स्ट क्लियर दिखाई देगा। दिया हुआ सभी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सभी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। टेक्स्ट अगर आपको छोटा लग रहा है तो स्क्रीन को फुल कर लीजिए, टेक्स्ट आपको क्लियर दिखाई देगा। फिजिक्स की बात करें तो सभी टॉपिक्स जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपका प्रश्न जो है वो 10th 12th लेवल का पूछा जाएगा, तो आप अपने जो NCERT के बुक्स हैं उसको बहुत अच्छे से इस सभी टॉपिक्स को पढ़ें, इसी से आपके प्रश्न आएंगे। अगर आपको टेक्स्ट छोटा लग रहा है तो फिर से मैं कहूँगा स्क्रीन को फुल कर लें। आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स के जरिए भेजें, हम उसका आंसर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।